आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की स्पेशल एनर्जी प्रोटीन लड्डू। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करने वाले, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले, एनर्जी देने वाले ये प्रोटीन लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इसमें ना मावा, ना चाशनी, ना घी, ना चीनी, ना गुड़, हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनर्जी प्रोटीन लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन गैस पे रख दिया है और उसमें मैं एक कप यहाँ मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली को हम 7 से 8 मिनट तक लगातार धीमी आंच पर इन्हें रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे इन्हें अच्छे से। देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और छिलका आसानी से निकल रहा है, तो ये अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही साथ यहाँ मैंने 1/2 कप काजू और बादाम लिए हैं, इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि हल्का सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए मैंने अच्छे से इन्हें भून लिया है, इन्हें भी हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं। इसी पैन में मैंने यहाँ 1 कप तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने यहाँ, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन्हें भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हल्के से ये फूल ना जाए और हल्का सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। ज़्यादा देर हमें बिल्कुल नहीं इन्हें भूनना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। अगर ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे, तो हल्का सा हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और पहले से हल्के से फूल गए हैं, तो अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में मैं यहाँ 1/2 कप ओट्स ले रही हूँ। ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे लिए, तो उसे भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे, इनका कच्चापन दूर कर लेंगे। एक से दो मिनट ही हम इन्हें भून लेंगे अच्छे से। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/2 कप नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो जो सूखे वाला नारियल होता है उसका छिलका उतार के और ग्राइंडर जार में हम उसे पीस लेंगे तो नारियल का बुरादा बन जाएगा। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने जो मूंगफली भुनी थी उसका छिलका निकाल लिया है, अब इसे पीस लेंगे हम। देखिए पीस लिया मैंने, थोड़ी सी देर ज़्यादा चला लिया है, ज़्यादा पीस लिया तो इसमें जो ऑयल होता है वो निकल आया है, नेचुरल ऑयल होता है मूँगफली में, तो इसका ऑयल निकल आया है। अब तिल हैं उसे भी हम अच्छे से ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए पाउडर बना लिया है मैंने, डाल लेते हैं और साथ ही साथ नारियल का बुरादा भी डाल लेंगे हम इसमें। नारियल के बुरादे को पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ओट्स मैंने भून लिया था उसका भी हमने पाउडर बना लिया है, डाल लेते हैं और साथ ही साथ काजू बादाम का पाउडर बनाया है वो भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स मैंने कर लिया है अच्छे से, अगर इसमें ज़रूरत हो तो आप 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वो है खजूर। खजूर सर्दियों में बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये बीज वाले नहीं हैं, मैंने बिना बीज वाले लिए हैं। अगर आपके पास बीज वाले हैं तो आप बीज निकाल लीजिए और फिर आप उसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए। देखिए ग्राइंडर जार में डालकर मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है और 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल लिया था, जिससे बहुत ही स्मूथ इसका पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इन्हें इसे पका लेंगे। पकाने के लिए हम मैंने एक पैन लिया है और उसमें हम खजूर का जो पेस्ट बनाया है वो डाल लेते हैं और धीमी आँच पर इसे हम पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक ये हल्का साइज़ का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन ना आ जाए, थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए पहले से हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है
और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये डिश बनेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें ना चीनी ना गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो खजूर की जगह चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, ये बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें पाउडर मिला देंगे और अच्छे से हाथों से मसल मसल कर हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें घी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो खजूर का पेस्ट है हल्का सा वो पतला है, तो उससे ही ये अच्छे से बंधने लगेगा, बंधने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो लड्डू आराम से हमारे बन पाएंगे। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है, डाल लेते हैं। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी। आप चाहें तो यहाँ केसर के धागे भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच मगज़ के बीज यानी कि खरबूजे के बीज लिए हैं, वो डाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। किसी भी मिठाई में अगर हम डालते हैं तो वो मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। मिला लेते हैं अच्छे से। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे और इसे गोल करते हुए लड्डू बना लेंगे। हथेली से अच्छे से गोल करेंगे और लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने वाले ये लड्डू हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं और एनर्जी देने वाले हैं। एनर्जी से भरपूर ये लड्डू हैं। और बना लेते हैं ऐसे ही। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम हाथों में और हथेली से गोल करते हुए हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसे ही सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैंने थोड़े से मगज़ के बीज लिए हैं, वो लगा देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगेंगे और टेस्टी भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप भी एनर्जी से प्रोटीन से भरपूर ये लड्डू बना सकते हैं। ठंडी में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास करवाने वाले ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए। जब भी हल्की फुल्की उन्हें भूख हो तो आप एक लड्डू दे दीजिए, उनका पेट फुल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, इन सर्दियों में ये लड्डू बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आप भी बनाइए एनर्जी से भरपूर लड्डू, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये लड्डू हैं और इसमें ना मावा, ना चाशनी, ना घी, ना और किसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।